हेलो एंड वेलकम टू रिवॉल्यूशन 2030। आज के इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम तीन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम उसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, फिर आपका रेज हो गया कि कौन कौन से रेज यूज करते हैं हम रे डायग्राम बनाने में, तो ऐसे बेसिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि होता क्या है स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, 3D में इसको स्फेयर कहते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर आपका कोई मटेरियल है, अंदर बाहर एयर है, ठीक है। इसको आप 3D में अस्यूम करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हॉलो स्फीयर, एक होलोस्फीयर अंदर से खोखला। अब इसको आप क्या करो, आपने ग्लास का होलोस्फीयर लिया, ठीक है। अब आपने इसको या तो अंदर या तो बाहर सिल्वर कर दिया, बाहर में सिल्वर कर दो या फिर अंदर में सिल्वर कर दो, किसी एक डायरेक्शन आपने इसको सिल्वर करके कवर कर दिया, ठीक है। और अब इसको बाकी के पूरे कर्वेचर से हटा दिया, पूरे स्फेयर से इतना कटआउट कर दिया। ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो दो टाइप के मिरर्स हैं, एक ऐसा कुछ एक ऐसा कुछ, तो ये दोनों अलग अलग टाइप्स के मिरर होते हैं, दो अलग टाइप के स्फेरिकल मिरर। ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉनकेव। हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे मेनली कॉनकेव को ही दिमाग में रख के करेंगे, जिसमें इसमें कॉन्वेक्स डिफरेंट होगा उसमें हम कॉन्वेक्स अभी बताएंगे। बट यूजुअली जिसमें जैसे कि दोनों एप्लीकेबल है, अगर कोई प्रॉपर्टी दोनों में एप्लीकेबल है तो हम उसमें कॉनकेव को ही रेफरेंस में लेंगे। यह हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। बहुत लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ये केव है, कुछ ऐसा गुफा टाइप का। अब आप यहां पहले गेट से घुसोगे, उसके बाद सरफेस टच करोगे, पीछे वाला एरिया टच करोगे। सिमिलरली लाइट को पहले गेट से घुसना होता है, उसके बाद लाइट सरफेस टच करती है। ये है इसका गेट, तो गेट से घुसा, उसके बाद फिर सरफेस टच किया, तो ये हो गया आपका कॉनकेव, कुछ ऐसा। और आपका कॉन्वेक्स क्या हो गया, कॉन्वेक्स उल्टा हो गया इसका, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टूडेज वीडियो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हम जब भी रे डायग्राम वगैरह देखेंगे तो टर्म्स रिलेटेड जानना ही होगा। क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि हमें एक रे यहाँ से ले जाना है, तो उस टर्म का अगर आपको नाम पता होगा सो देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम कॉनकेव मिरर को रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दोनों के लिए सही होती है, कुछ कुछ में डिफरेंस होता है, तो वो मैं साथ में बताते चलूंगा। करेंटली लेट्स अज्यूम अ स्फेरिकल मिरर। तो इसमें सबसे पहले टर्म आता है, आप पहले इसको स्फेयर बनाओ, सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल स्फेयर था वो बनाओ, हॉलो स्फीयर जो था ओरिजिनल वो बनाओ। इस स्फीयर का एक सेंटर है, एवरी स्फीयर हैज अ सेंटर, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डिनोटेड बाय आर। अब इसके बाद आपका दूसरा इंपॉर्टेंट आता है पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, मिरर का जियोमेट्रिक सेंटर। मिरर का जियोमेट्रिक सेंटर मतलब मिरर का इतना जो पार्ट है उतना ही पार्ट मिरर में नीचे भी होगा, पोल के ऊपर जितना है उतना ही नीचे भी होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप पोल के अलॉन्ग इसको देखो तो सिमेट्रिक होगा पोल के अराउंड। होप दिस इज क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं एक एपर्चर पे, ठीक है। एपर्चर एक ऐसा कुछ होता है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गुफा का जैसे गेट होता है वैसे ही एपर्चर होता है मिरर का। एपर्चर वो प्लेन है जिस प्लेन से घुसना पड़ता है एक लाइट रे को टू स्ट्राइक द मिरर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, ये वाला जो लाइन होता है आप इसके इसमें ले सकते हो, ये लाइन है एपर्चर, एक क्लियरली यहाँ पे दिखा देते हैं। ये लाइन होता है आपका लीनियर एपर्चर, दो टाइप के एपर्चर होता है, ये लाइन होता है आपका लीनियर एपर्चर और ये जो होता है एंगल थीटा, ये होता है आपका एंगुलर अपर्चर, ठीक है। दोनों ही अपर्चर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये डेफिनेशन हल्का सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं, कि लाइट अगर आया और निकल गया तो वो यहां से आते हुए लग रहा है कि वो इससे घुसने के बाद निकल रहा है,
तो ये हो गया अपर्चर, मतलब इसमें बस एपीयर टू लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी आपका एंगुलर अपर्चर होता है अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। ऑफ दिस क्लियर, अपर्चर आपका क्लियर है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं है, द लाइन जॉइनिंग होल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे एक्सटेंड कर दिए, पी एक्स इसको यूजुअली डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये सेंटर है, अभी हमने डिस्कस किया। बट सेंटर ऑफ अ सर्किल के कुछ बहुत गजब गजब के प्रॉपर्टीज होते हैं, और उनमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे सर्कल्स के कुछ प्रॉपर्टी, और हम डिस्कवर करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लग कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, ठीक है। अब देखो ये रे यहाँ पे जब स्ट्राइक किया ना, तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उस पॉइंट को आगे बढ़ने वाले पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, ये अपना इंडिविजुअल मिरर की तरह काम करेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि स्फेरिकल मिरर को आप समझ सकते हो एज अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल मेनी नंबर प्लेन मिरर्स, बहुत सारे प्लेन मिरर्स छोटे छोटे अलाइंड है इस वे में, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब ये जो है ये एक प्लेन मिरर है जो कि अपने हिसाब से काम करेगा। मतलब आप यहाँ पे एक टेंजेंट रख दो, और टेंजेंट के अलावा अगर प्लेन मिरर रख दो तो भी सेम चीज होगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर जो काम करेगा वही काम स्फेरिकल मिरर भी कर रहा है, बस आपने क्या किया एक टेंजेंट बना दिया। अब एक चीज आप नोटिस करो, ये है सर्कल का रेडियस और ये है टेंजेंट। अगर आपको याद होगा तो ये बहुत इजी, एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। मतलब ये आपका 90 डिग्री है टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल। अब 90 डिग्री है ये प्लेन मिरर है, मतलब नॉर्मल, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल होता है। इसमें नॉर्मल को ऐसे डिफाइन किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द नॉर्मल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब इसी से हम डील कर रहे हैं, एक और चीज आप देख सकते हो, ये बाद में आने वाला है कि नॉर्मल का लॉन्ग जाएगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक तो रे आपको यही मिल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगा तो वो वैसे ही वापस आएगा, ठीक है। आगे हम बाकी के रेज हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करना है, फोकस। फोकस एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों ले लेते हैं हम, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब एक रे आया पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रेज हम लोग क्या ले रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऐसा भेजेगा कुछ कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखोगे कुछ ऐसा जाएगा आप इसका, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। इसमें आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा थीटा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप यहाँ पे एक और पैरेलल रे डालो, ये भी वैसे ही जाएगा, इसको भी आप एक्सटेंड करो, सेम पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब यहाँ पर भी सेम चीज, ऐसा अगर आप भेजो कुछ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं हम, जितने भी रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सारे रेज मीट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पे दोनों मिरर्स के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए पीछे की तरफ, मतलब कॉन्वेक्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, कॉनकेव में एक्चुअली मीट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है ये है हमारा फोकस, ठीक है। फोकस ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे रेज जाके या तो फोकस हो जाते हैं या फोकस होने का अपीयर करते हैं, मतलब या तो मिल जाएंगे या तो लगेगा ऐसे वहीं से निकल रहे हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट फोकस है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन रहता है बहुत लोगों में, दो रेज अगर पैरेलल है तो वो फोकस पे मीट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, ये गलत है। दे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू। अगर ये दोनों रेज सिर्फ एक दूसरे से पैरेलल है तो ऐसा नहीं होगा। यहां ले लेते हैं एक सिनेरियो ले लेते हैं, कुछ ऐसा एक रे है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और एक दूसरा कुछ ऐसा रे है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और अगर आप इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे
दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। अब ये तो फोकस हो ही नहीं सकता, फोकस हमेशा इस लाइन पे लाइक करेगा। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं फोकल प्लेन पर एक पॉइंट। आपका फोकस क्या होगा, फोकस यहाँ का ही होगा, और प्लेन वो प्लेन होता है जो कि फोकस के, फोकस को इंक्लूड करता है, ठीक है। फोकस के ही अराउंड एक प्लेन होता है कि दो रे अगर पैरेलल है तो फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप एक कागज जला रहे हो कॉनकेव मिरर से, ठीक है, कॉनकेव मिरर से कागज जल जाता है, इसका कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने अभी देखा कि जितना भी रेज आ रहा है ये सारे रेज को फोकस पे मार रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कागज आग पकड़ लेता है। लेकिन क्या आप एक्चुअली इसको फोकस पे रखते हो? नहीं, आप एक्चुअली क्या करते हो, इसको फोकल प्लेन से अलाइन रखते हो, मतलब फोकल प्लेन के आसपास। क्यों? क्योंकि फोकस एक पॉइंट है, एक पॉइंट, और एग्जैक्ट आप फोकस पे नहीं रख सकते वो पेपर, ठीक है। और दूसरी चीज है कि सन रेस किसी भी एंगल पे आ सकती है ना, सन रेस को तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको पैरेलल ही आना है, आपको मिरर टिल्ट करना होगा, जो कि बहुत सारे केसेस में फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फोकल प्लेन पर ये पेपर रख देते हैं, और फोकल प्लेन में जिस भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है रेस, वो पॉइंट सबसे पहले आग पकड़ेगा। मतलब अगर दिन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे पेपर जलाओ, आप देखो पहला पॉइंट जो आग करता है वो पॉइंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सन के इंक्लिनेशन के हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है, फोकल प्लेन पे अलग अलग जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। होप दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। फोकस हमने देख लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, और एक बात, ये जो डिस्टेंस है पोलर फोकस के बीच में, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का भी अभी हमें काम लगेगा। अब ये एक फॉर्मूला है जिसे हम डायरेक्टली डिराइव करके दिखाएंगे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल, ठीक है। अब एक रे मान लीजिए आप पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अभी मैंने बताया फोकस से गुजरेगी कुछ ऐसा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल है मतलब ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, बिल्कुल बेसिक सा कॉमन सेंस है। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इंसिडेंट रे ये पैरेलल है, लेट इट बी डी ई, तो ये जो एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एंगल ई सी एफ। अब ये दो एंगल्स आपको मिल गए क्या इक्वल, मतलब ये एक आइसोसेलेस एंगल है, मतलब पहला क्या मिला हमें एफ ई इज इक्वल टू सी एफ, और दूसरा में क्या मिला, ये एंगल मिल गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, ये टू थीटा आपका निकल गया। और दूसरी चीज, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये 90 डिग्री है, या 90 डिग्री है। हम अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो अपर्चर है ये नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो एज्यूम कर रहे हैं अपर्चर को, मतलब ऐसा हम इस एंगल पे रखा हुआ एक प्लेन मिरर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन मिरर एज्यूम कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री आपने देखा 90 डिग्री है, और ये थीटा है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा या 2 थीटा, ये एक ट्रायंगल है, अगर आप लगाओ सम एंगल प्रॉपर्टी तो यहाँ आपका निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, मतलब दो एंगल्स 90 माइनस थीटा, मतलब आपका क्या निकला एफ ई इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। अब देखो एफ ई सी एफ के भी बराबर है, एफ ई एफ पी के भी बराबर है, मतलब सी एफ एफ पी के बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाला और ये दोनों इक्वल है। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एफ पी बढ़ा देते हैं, तो सी एफ प्लस एफ पी हो जाएगा आपका सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी टू एफ पी। अब सी पी आप ध्यान से देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और टू एफ पी आपका जो है, मतलब एफ पी जो है वह फोकल लेंथ, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। एक बहुत ही सुंदर सा प्रूफ है ये, और ये जो फॉर्मूला ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आप जब आप मिरर्स फॉर्मूला अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको देता है, आप फोकल लेंथ निकालो इसके बाद खुद करोगे, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रूफ हमने अभी किया, और अब हम आएंगे एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, अबाउट द रेस।
अबाउट द रेस हम देखें तो चार केसेस बनेंगे, लेट दिस बी वन, लेट दिस बी टू, लेट दिस बी थ्री, लेट दिस बी फोर, ठीक है। टोटल चार केस, चार रेस हम लोग जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक चीज की मिनिमम नंबर ऑफ रेस आपको लेना है और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है। इसमें एक आपका एडवांटेज क्या रहता है कि ऐसा आपको एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ये जो इसका बेस रहता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे रहने का क्लियर मतलब क्या है, इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं बनेगा और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब आपको अगर यहाँ एक पॉइंट मिला, आप यहाँ से ऐसा बनाओ यहाँ तक, ये आपका बन गया इमेज। तो आपको सिर्फ एक इस पॉइंट का आपको इमेज बनाना रहता है और इस पॉइंट का इमेज बन गया तो ये पॉइंट को आप उसके रेस्पेक्ट में दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो, इट इज क्लियर। और अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप एक बार उसका इमेज ऑब्टेन करने का ट्राई करना, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही थ्रू जाएगा ना, पोल पे स्ट्राइक करेगा। इसको हम डिटेल में आएंगे, फोर्थ केस में हम इस पे डिटेल में जाएंगे। करेंटली हम पहले ये केसेस देख रहे थे। पहला सबसे बेसिक केस है जो हम इसके पहले भी देख चुके हैं, बट इस पे एक बार फॉर्मली देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये वैसे का वैसे लौट जाएगी, हमने पहले ही देखा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रहा है, वापस लौट जाएगा। कंकेव में मोर और लेस सेम ही रहता है, हल्का सा डिफरेंस है। अगर ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आता हुआ दिख रहा है, वापस लौट जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये दो केसेस, एक केस हो गया दोनों मिरर्स के लिए। अब हम आगे केसेस देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम एक रे पैरेलल भेज रहे हैं। पैरेलल वाला भी हमने भी थोड़ा देर पहले देखा है, जितने भी रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के थ्रू गुज रहेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस केस में अगर ये पैरेलल आएगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आपको लगेगा कि ये आ रहा है यहां से फोकस से, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया, बहुत ही सिंपल सा केस है। और अभी बताया कि वर्चुअल जो रे है या वर्चुअल इमेज है, ये दोनों ही चीजें डॉटेड लाइन से डिनोट होती है, तो आप डॉटेड लाइन से ही डिनोट करें। और एक चीज अगर आपने इसमें देखी हो कि लाइट को ये फोकस के तरफ, मतलब दो लाइट रेस आ रहा है वो दोनों को मिला रहा है, और ये जब दो लाइट रेस आ रहा है दोनों को दूर दूर फेंक रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, मतलब रेस को डाइवर्ज कर देता है, और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, रेस को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। ये पेपर जलाने के काम आता है और ये इसका भी यूजेस होता है, हम इस पर बाद में आएंगे, ठीक है। और एक और फेनोमिनन होता है लाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमिनन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये अगर आपने देख लिया तो आपका 50% मेहनत कोई भी तरीका रेडायग्राम वगैरह बनाने में बच जाएगा। क्या है ये, रे ऑफ लाइट का अगर आप डायरेक्शन चेंज करो ना, वो बिल्कुल सेम इमेज आएगा, मतलब लाइट अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे भी जाएगी, ओके। मतलब अगर आप इन सब रेस का सिर्फ उल्टा कर दो अगर आप डायरेक्शन, तो सेम रहेगा सब कुछ। मतलब पैरेलल आने का अगर फोकस से पास करें तो फोकस से पास होने पे पैरेलल आएगी, बिल्कुल सिंपल सा है। यही आपका हो गया तीसरा पॉइंट। ये है आपका फोकस, और आपका फोकस से पास कर रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लग नहीं रहा पैरेलल, ये पैरेलल निकलेगा, ठीक है। इस केस में अगर अपीयर कर रहा है फोकस से पास होते हुए तो ये पैरेलल, ठीक है, मतलब इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये तीसरा केस, ये दूसरा और तीसरा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इन्हीं दोनों को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने तीन चार इसीलिए बताए क्योंकि सिंपल से बात है, अगर आप मान लो आपने यही दोनों लिए तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख दोगे आप ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल अगर आप फोकस पे एकदम रख दोगे तो आप ये वाला अप्लाई नहीं कर पाओगे, अगर आप फोकस पे अगर आप रख दोगे तो आप ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये हर केस में अप्लाई होगा आपका, और फोर्थ वाला भी आपका हर केस में अप्लाई होगा, बट फोर्थ वाला और ज्यादा आपका डिफिकल्ट रहता है। फोर्थ वाला एंड द लीस्ट रिकमेंडेड वन इज द पोल वन, ये पोल है, ठीक है। अगर एक रे ऐसा स्ट्राइक कर रहा है
तो इसका जो नॉर्मल होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा मतलब इसके साथ थीटा एंगल नॉर्मल, तो यहाँ भी थीटा एंगल ठीक है, मतलब सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जा रहा है, सेम एंगल सेम बन रहा है ठीक है। ये इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपको एंगल से डील करना होगा, तो इसलिए दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट इन केसेस अगर जरूरत पड़े तो आप ये भी कर सकते हो। और दिस इज द मेन रीजन वाई आपको ये, अभी मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट नहीं लेने होते, ये पॉइंट पे इमेज आपको पता भी करना बनेगा क्यों, क्योंकि एक रे इसमें आपको ऑलरेडी डिफाइंड है यही बनेगा, क्यों ये थीटा अगर जीरो होगा तो ये भी तो जीरो होगा ना, इसमें थीटा एक थीटा जीरो हो गया तो इमेज इसी लाइन पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ बनेगा उसके लिए आपको सिर्फ रेस्पेक्ट देखना है, मतलब जैसे हमने पिछले बार लेटरल इनवर्सन के केस में किया था, हमने हर लेटर का हमने नहीं बनाया था, हमने पॉइंट्स लिए थे, दो पॉइंट्स लिए और वो दो पॉइंट्स के रेफरेंस में पूरा लेटर बना दिया। सिंपली आपको एक पॉइंट लेना है, दूसरा एक पॉइंट का इमेज बनाना है और उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट को बना सकते हैं ठीक है, तो इससे आपका काम आसान जाएगा। मैं रिकमेंड आपको करूंगा ये दोनों चीजों को ज्यादा यूज करने, और जब इन दोनों में से कोई एक अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसको यूज करें, और दिस इज द लीस्ट रिकमेंडेड ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इन चारों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं एंड करना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रहा है और उसमें हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ठीक है, हर एक मिरर से बनाए गए इमेजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज को हम बिल्कुल डिटेल में बारीकी से एनालाइज करेंगे और आप सबको मजा आएगा, ट्रस्ट मी, आप लोग मेरी गारंटी ले सकते हो कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, हम होने नहीं देंगे आप लोगों को डिसअपॉइंट ठीक है।